अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन लेग विथ चीज़ टेस्ट। तो ये मैंने चिकन लेग पीसेस ली हूँ, ये देखिए। मैं इसे तीन पानी से अच्छे से वॉश करके इसे छन्नी में छान के 10 मिनट के लिए रख दी थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सारे मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाली हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे एक एक चिकन लेग पीस को आपको अच्छे से मसाला लगाना है, और अच्छे से मसाला लगा लेने के बाद आपको इसे 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है रूम टेम्परेचर में। यहाँ मैंने ली हूँ कढ़ाई, और मैंने कढ़ाई के अंदर डाली हूँ 2 टेबल स्पून तेल, और अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारे चिकन लेग पीस रख दूंगी। गैस है मीडियम फ्लेम पे। इसे मैं अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दूंगी सारे तेल के ऊपर, और ये जब तक थोड़ा सफ़ेद और लाइट पिंक कलर नहीं हो जाता है मैं इसे भूनते रहूंगी। गैस कर दूंगी हाई फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी जो चिकन के पीसेस में हल्के हल्के रेड कलर हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से सारे लेग पीस को कलर आ जाना चाहिए। 10 मिनट बाद अच्छे से भून जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास पानी, और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। गैस आपको रखना है हाई फ्लेम पे। मैंने चिकन को अच्छे से पका ली हूँ, ये 80% चिकन गल गया है, ये देखिए पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और मैं इसे अभी ओपनली पकाऊंगी। ये देखिए ये जो भी चिकन में थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसे भी मैं ड्राई कर लूँगी। अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है, गैस रखी थी मैंने हाई फ्लेम पे। अब ये जो भी आपको दिख रहा है ये थोड़ा बहुत तेल है, इसे मैं अच्छे से भून लूँगी फिर से, और गैस कर दूँगी ऑफ, और इसे मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा कर दूँगी। रूम टेम्परेचर में मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर चिकन के 1 लेग पीस लूँगी, और इसका जो मीट है मैं इसे पूरी तरह से, इसकी जो बोन है इसे मैं अलग कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और चिकन की जो साइड पे एक छोटी सी जो बोन होती है पतली सी, इसे आपको निकाल देना है इस तरह से, ये देखिए, और इसी तरह से आपको सारे के सारे कर देना है। यहाँ पे सारे चिकन के लेग्स को मैंने श्रेड कर दी हूँ इस तरह से, और अब मैं यहाँ पे डालूँगी चीज़, ये नॉर्मल चीज़ है अमूल का, इसे चीज़ का टेस्ट देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 कप भर कर ग्रेटेड चीज़ ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू बाइंडिंग के लिए। ये बॉईल करके मैंने रखी थी आलू को, और मैंने 4 आलू ली हूँ मीडियम साइज़ के, और अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी मसाले। सबसे पहले आपको डालना है 1 टेबल स्पून ओरिगानो, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पेरी पेरी का पाउडर। अगर आपके पास पेरी पेरी पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, और जाएगा 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को मैश करके डाल सकते हैं। और साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून काला सिरका। अगर आपके पास काला सिरका नहीं है तो आप वाइट वेनेगर, सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून काली मिरी, थोड़ी स्पाइसी के लिए। अगर आपके पास लाल मिर्च है, जैसे लाल मिर्च आपके पास सूखी है और इसे आप दरदरा सा पीस ले, और इसमें भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, और इसे तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको हाथों में थोड़ा सा प्रेशर दे के आपको इसे मिक्स करना है,
जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से, क्योंकि ये एकदम पेस्ट जैसा बनना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। और चीज़ और आलू की काफ़ी अच्छी खासी बाइंडिंग हो चुकी है, ये रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ और ली हूँ, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेटर चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन ये अमूल का नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ मैंने एक कप जितना इसे ग्रेडेड करके रखी थी। और अब मैं यहाँ पे रखी थी यहाँ पे चिकन के बोन्स। तो सारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिकन का जो मैंने मसाला बनाई हूँ, ये देखिए एक बॉल जितना शेप लेना है आपको, और आपको हाथों की मदद से इसे प्रेस करना है, उंगलियों की मदद से। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिकन लेग पीस का बोन, ड्रमस्टिक जिसे कहते हैं। और मैंने यहाँ पे चीज़ अंदर ऐड की हूँ, ये एक टेबल स्पून चीज़ है, और मैं इसे भी कवर कर दूँगी थोड़ा सा चिकन का मसाला लगा के इस तरह से। और आपको इसे राउंड शेप देना है इस तरह से, ये देखिए, ताकि जो चीज़ है वो बाहर की तरफ ना आए और खुले ना जब हम इसे फ्राई करें। तो ये देखिए अच्छे से आपको हाथ की मदद से इसे हल्का हल्का से दबा देना है, प्रेस कर देना है। ये देखिए रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम बना लूँगी। और आपको अब लेना है मैदा। मैदा में इसे आपको कोट करना है चिकन लेग पीस को, ड्रम स्टिक को, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अंडे में भी आपको इस तरह से रोल करना है। अंडे को आपको, मैंने दो अंडे ली हूँ और इसे अच्छे से फेंट ली थी। और यहाँ पे मैंने ली हूँ ब्रेड क्रम्ब, इसे मैं अच्छे से कोट कर दूँगी। और ये रेडी हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। ऐसे ही मैंने सारे बना चुकी हूँ। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में, फ्रीजर में 15 दिन के लिए। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ और इसे मैं डीप फ्राई करूँगी। 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखी थी और ये रेडी हो चुका है फ्राई के लिए। तो यहाँ मैं अब इसे डाल दूँगी चिकन लेग पीस को, ये देखिए इस तरह से। और गैस आपको रखना है मीडियम फ्लेम पर। जब आप इसे तेल में डालेंगे चिकन लेग पीस को, तो आपको इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखना है, फिर 3 मिनट बाद आप इसे हाई फ्लेम पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे दो दो करके ही फ्राई करूँगी, बिल्कुल भी ओवरफिल आपको नहीं करना है, वरना ये खुल जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा आपका सारा मेहनत। तो आप इसे दो दो करके फ्राई करिएगा। तो यहाँ पे आपको करना है गैस हाई फ्लेम पे, और इसे आपको हल्के हाथों से, हल्के स्पैचुला से आपको टर्न करना है। अलर्ट पर जब आप करेंगे इसे, तो जब ये गोल्डन दिखेगा आपको एक साइड, तो ही आपको इसे टर्न करना है। जैसे एक साइड लेगा 2 मिनट। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा कलर आया है, इसी तरह से आपको इसे गोल्डन कलर देना है। गैस आपको रखना है हाई फ्लेम पे, बस दो दो मिनट आपको साइड टू साइड देना है। और मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। तैयार है यहाँ पे क्रिस्पी चिकन लेग पीस विद चीज़ टेस्ट। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग इसे शेजवान सॉस के साथ लीजिएगा। शेजवान सॉस की भी रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे है, आप लोग ज़रूर उसे भी चेक करिएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत क्रिस्पी है और चीज़ का टेस्ट भरपूर आता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।